नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। खबर है प्रयागराज से। प्रयागराज मेजा थाना क्षेत्र के परवा गांव में दो सगे भाइयों के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। बताया जाता है कि दो पक्षों का विवाद कई साल से चल रहा था, जिसकी शिकायत करने थाना जा रहे दोनों भाइयों को रास्ते में ही गांव के लोगों से मारपीट किया जाता है। मारपीट के बाद मामला पहुंचा मेजा थाने। पीड़ित के तहरीर पर FIR दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही मेजा पुलिस। पीड़ित का कहना है अक्सर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है दबंगों द्वारा। प्रशासन से पीड़ित परिवार लग रहा है न्याय की गुहार कर रही है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी से मेजा प्रयाग से वैभव यादव की रिपोर्ट। एक ऐसी घटना घटित होती है जिनको आपको पता है पूरे इनके शरीर में चोट आई है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। क्या नाम है आपका? सर्वेश। सर्वेश जी, क्या घटना घटी हुई थी आपके? हमारा घटना यही था क्योंकि गोवर्धन से विवाद हुआ था। गोवर्धन कहाँ के रहने वाले हैं? परवा को। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अरे मछली के बारे में, जाल गिराए थे हम लोग। अच्छा अच्छा, तो फिर आज आप लोग क्यों आए हैं थाने पे? विवाद क्या हुआ? अरे जैसे कि हम लोग का बेल था, हाँ, जमानत कराने के लिए। खाना नहीं खाए क्या आप? नहीं, खाना वाना कुछ नहीं खाए, ऐसे ही आए। पानी तक नहीं पिए हैं। जमानत कराने के लिए मेरा भाई जा रहा था, ठीक है, तो गोवर्धन से विवाद हुआ था। गोवर्धन ने शहद दिया तो इनको पकड़ के बहुत मारा। दबंग लोग, ठाकुर लोग, नवरतन, विवेक, वो लोग बोल रहा था नवरतन ने मारा है, विवेक ने मारा है, निखिल ने मारा है, अंकित ने मारा है और अवधेश थे। अच्छा, ये लोग आप सबको मारे? पकड़ के, हाँ, अवधेश ने चाबी काट लिया गाड़ी का और मिलवा के मेरे भाई बहुत ने मारा है। देखो इधर देखो, दिखाइए एक बार पूरे व्यक्ति के बॉडी पे। देखिए आपको जख्म के निशान दिख रहे हैं। यहाँ बहुत मारा है, बहुत मारा है। यहाँ पर क्यूनिया मार रहे थे पांच छह लोग, मारा है पांच लोग। हाँ, ये लोग बहुत दबंग लोग है, बोलता है पुलिस चौकी कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ, जो करना है कर लो, जाओ जिसको बुलाना है। कुछ सुनवाई नहीं होता है। आप गए थे? नहीं, वो दिन जो मैटर थी ना, गए थे तो हम लोग का सुना नहीं। जितना मेरे साथी थे सबको डालते गया नाम ऐसा। चौकी वाले ईमानदारी का प्रणाम दे दिया आपको? हाँ, वो है ईमानदार है वो लोग, ऐसा ही करते हैं। हम लोग का सुनवाई होता ही नहीं है। और दबंग लोग हमारे पैसा मांगते हैं, बोलते हैं राइफल छुला देंगे। वो राइफल छुलाएगा? वही बोलते हैं। अंकित बोलता है, राइफल रखा है, नवरतन बोलता है, ये सब बोलता है। हाँ, बोलता है पैसा दो, ऐसा रोज हमेशा बोलता है, दूसरे तीसरे बोलता है। रंगदारी मांगते हैं? हाँ, रंगदारी मांगते हैं सर। हाँ, हम लोग मच्छी मार के जीते हैं, बोलते यहाँ जाल जिन गिराओ, ऐसा धमकी देते गिराना। हमें मारे तो मारे, मगर वो बोल रहा है कि जाओ तुम अपने भाई को बुला के लाओ, उसको भी मारेंगे। मारेंगे हम, हमको लिए अकेला भाई। शिकायत आप थाने में किए अभी? अभी थाना में किए थे, यहाँ कर दिए, अभी की कर दिए हैं, डाल दिए, मेजा में डाल दिए हैं। अभी जो भाई की चढ़ चढ़ के मारा है, देखो इधर कितना मारा है, बहुत मारा है, देखो बहुत मारा है। कि चार लोग मिलकर आपको मारे? पांच लोग। बचाव में कोई आया था? कोई नहीं बचाने के लिए, दुकानदार थे वहाँ पर खड़ा होकर सब देख रहे थे तमाशा। हम मरा रहे थे, सब तमाशा देख रहे। क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से? आपको किस प्रकार की मदद चाहिए? मदद चाहते हैं और किस लोग को सुधारे? ऐसा किया जाता है हमेशा, काम चलेगा पैसा, हम लोग तो मर जाएंगे ऐसे ही। बोलता है पुलिस चौकी कुछ नहीं कर पाएगा, गाली देता है। हाँ, कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश। सर्वेश, कौन से गांव में है? परवा। परवा गांव से आप आए हैं? परवा उपहार। अच्छा, परवा उपहार गांव से आप यहाँ पे आए हैं थाने पे। तो FIR आपकी लिखी गई है? हाँ, हमारा FIR लिखी गई है, दे दिए हैं। अच्छा, दिए हैं, यानी आप कार्रवाई चाहते हैं जो दबंग? कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले और कभी विवाद हुआ था? पहली बार हुआ? नहीं, और कभी नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। हाँ, वो दो दिन पहले गोवर्धन से हुआ था, उसके पहले उन्होंने तब कॉल किया, क्या किया उन्होंने मरवाया, फिर हम लोग जमानत के लिए आ रहे थे। जमानत के लिए मनाही लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा हाथापाई हुई थी आप लोग जब, मतलब 151 में आप लोगों का चलान हुआ था दोनों पक्ष के लोगों का? खाली विवाद हुई थी, थोड़ा लफड़ा हुआ था, ठीक है, रात में। हाँ, तब फिर गए थे वहाँ, एप्लीकेशन दिए थे, तो हम लोग फिर दोबारा ये गोवर्धन यहाँ आया, मेजा थाना दिया, वहाँ उनको बोला, वो भाग गया था वहाँ से, ठीक है। हाँ, तो देखिए आपको बता दें, दो सगे भाई हैं और दो सगे भाइयों के साथ मारपीट होता है और दोनों भाई देखिए थाने पे आए हैं, पुलिस प्रशासन के शरण में चीन है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मदद की जरूरत है। अब देख रहे हैं पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या करती है।